वेलकम बैक टू चैनल साइंस आई एम सजल भानुशाली और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर तो बच्चों ये सेशन में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम यस सो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली अब बच्चों हर जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिखने का तरीका होता है yes, यस तो आपको क्वेश्चन ऐसे कुछ टाइप में पूछे जाएंगे कि एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम uh, या फिर एक्सप्लेन ब्रीफली द न्यूट्रिशन पैरामीशियम तो आपको क्या करना है जैसे सेम चीज मैंने आपको अमीबा के लिए बताया था वो सेशन अगर आपने देखा नहीं हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो चेक इट आउट यस तो सबसे पहले हमको जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी है तो जान लेते हैं पैरामीशियम एग्जैक्टली क्या है यस बच्चों तो पैरामीशियम इज अ सेलुलर एनिमल यूनिसेल्युलर एक्वाटिक अगेन ये भी पानी में रहता है यूनिसेलुलर मतलब इसकी बॉडी में पूरा बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल यस तो पैरामीशियम क्या है यूनिसेलुलर सेम लाइक अमीबा एंड एक्वाटिक दिस इज ऑल्सो सेम लाइक अमीबा एक सेल है और वो पानी में तैरता और पानी में फ्लोट करता यस yes, सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम इज होलोजोइक अब होलोजोइक वर्ड का मतलब क्या है इट ईट सॉलिड फूड Yes, जितने भी एनिमल्स है मैक्सिमम एनिमल्स है वो क्या करते हैं सॉलिड फूड खाते हैं हम एज ह्यूमंस ह्यूमंस आल्सो ईट सॉलिड फूड और बाकी जो एनिमल्स है बाकी के कैट डॉग तो हम सब हम सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है होलोजॉइक जितने भी एनिमल वर्ड जहां पर भी पढ़ोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा होलोजॉइक तो सिंस इट इज ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर एनिमल तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजॉइक अब आपको याद होगा अगर अमीबा में हमने क्या पढ़ा था फैगोसाइटोसिस होता है इस ऑप्टेनिंग फूड की प्रोसेस को क्या बोला था फैगोसाइटोसिस पर यहां पर जो भी प्रोसेस है पैरामिशियम का फूड डाइजेस्ट करने का ऑप्टेनिंग फूड नहीं नॉट जस्ट ऑप्टेनिंग फूड नॉट जस्ट ऑप्टेनिंग फूड यहाँ पर आप लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस आप लिख सकते हो द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है ना पूरे प्रोसेस को उसके पूरे न्यूट्रिशन की प्रोसेस को साइक्लोसिस बोलते हैं अब ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि द प्रोसेस दो प्रोसेस ऑफ ऑफ न्यूट्रिशन या फूड इन पैरामीशियम क्या है उसको इज कॉल्ड डैश तो आपका आंसर क्या होना चाहिए साइक्लोसिस साइक्लोसिस साइकिल जैसा साउंड करता है, yes, इसको है? ये इसको साइक्लोसिस क्यों बोलते हैं यही सेशन में मैं आपको आगे बताऊंगी ओके okay. तो पैरामीशियम का सब चीजें देख ली हमने एक चीज देखनी बाकी है है क्या स्ट्रक्चर तो तो पैरामीशियम सबसे पहले स्लिपर जैसा होता है। yes, जो आपके शूज के अंदर जो सोल होता है या फिर आप जो फ्लिप फ्लॉप पहनते हो चप्पल पहनते हो ओके okay? तो उसकी बॉडी कुछ ऐसे दिखती है एंड इसके अराउंड ना बच्चों इसके अराउंड ऐसे हेयर लाइक -like चीजें होती है इस बाल के जैसे थिन uh, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं सीलिया पूरे बॉडी पे होते हैं उसके यस इट हैज थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी अब सबसे पहले तो ये सीलिया का फंक्शन क्या है सीलिया का मेन फंक्शन जो है वो पैरामीशियम को ट्रांसपोर्ट uh, करना ओके okay? पैरामिशियम के पास पैर नहीं होते हाथ पैर नहीं होते लाइक अदर एनिमल्स तो पैरामिशियम एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको जाना हो तो किसकी हेल्प से जाता है सीलिया यस इट ऑलरेडी फ्लोट्स ऑन द वॉटर और थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से उसको मूव move, उसकी मूवमेंट में ज्यादा आसानी आती है तो सीलिया इज यूज फॉर मूवमेंट यस मोस्टली सीलिया का काम क्या होता है मूवमेंट और जो पैरामीशियम होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पाता है न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन जो है पैरामीशियम का और अमीबा का ऑलमोस्ट सिमिलर है इंटरेस्टिंग पार्ट जो है पैरामिशियम का द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग जो पहला पहला स्टेप है ना इंजेक्शन का ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों एकदम ध्यान से सुनना तो वेन द सीलिया अराउंड द माउथ रीजन यस जो माउथ रीजन होता है पैरामीशियम का आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर ओव जो माउथ रीजन होता है ये आपको मैं आगे डिटेल में बताने वाली फिलहाल तो हम पहले सिर्फ स्टेप्स देख रहे हैं तो माउथ रीजन होता है ऑब्वियसली पूरे बॉडी पे जो सीलिया होता है वो मूवमेंट के काम आ रहा है अभी देखा हमने माउथ रीजन के अराउंड भी सीलिया होता है बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये ना सिर्फ मूवमेंट नहीं करते ये क्या करते ये भी बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं बट सिंस ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे तो अपने आजू बाजू में जो भी खाना है ना फूड पार्टिकल्स जो है वो इसके माउथ में डाल इज अमीबा का जो हमने देखा था माउथ नहीं था उसके पास पैरामिशियम के पास माउथ होता है ओके okay? तो ये माउथ ऑफ द पैरामिशियम में जो पार्टिकल uh, है वो डाल देता है इस फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं इंजेक्शन स yes, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना ये इसका अमीबा का और पैरामीशियम का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप अलग है इसके आगे के इसके आगे के सारे के सारे स्टेप सेम है क्या होता है आगे फूड वैक्यूल बनता है जहां पर माउथ होता है यस yes, बच्चों यहाँ पर जहां पर माउथ होता है वहीं पर वैक्यूल बन जाता है ओके okay, वहां पर वहीं पर फूड वैक्यूल बन जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं ब्रेक डाउन होता है एंड देन वी हैव डाइजेशन सेम चीज एब्जॉर्बन में होता है Yes, absorption में सेम हमने देखा था जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है यस yes, तो ये सारे steps हम बाद में देखेंगे फिलहाल हमको क्या देखना है मेन चीज फोटो देखना है क्यों इंजेक्शन वाला स्टेप है ना इंजेक्शन वाला स्टेप वो अच्छे से करना है हमको ओके okay? सबसे पहली बात तो यहां पर ये पैरामीशियम कुछ ऐसा दिखता है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है यस yes, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे बॉडी में सीलिया है पूरे बॉडी में सीलिया है सीलिया मतलब क्या -like है लाइक स्ट्रक्चर जो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अब यहाँ पर, यहाँ पर पर क्या है बच्चों यहाँ पर ये रीजन में बक्कल कैविटी है यस इट हैज अ बक्कल कैविटी और ये जो रीजन है इट 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 इज नोन एज द माउथ ऑफ द पैरामिशियम अब एक इंटरेस्टिंग uh, पार्ट uh, है इसके माउथ में ना इसकी माउथ को अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे ना एक मैंने दिस इज जस्ट अ रफ डिस्क्रिप्शन ये जो ये जो पार्ट है ओके okay, माउथ का सर्कल इट ओके ये जो माउथ का जो पार्ट है ना बच्चों इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूं ओके इसके माउथ में दो पाथवेज होते हैं इट हैज टू पाथवे एक होता है नॉर्मल जिसमें खाना चला जाता है और एक होता है नीज है ना दो पाथवेज होता है तो आपको इतना तो पता है कि पैरामिशियम का फूड क्या होता है पैरामिशियम का भोजन क्या होता है इट इट्स एलगे छोटे छोटे प्लांट के पार्टिकल्स एल्गे खाता है बैक्टेरिया खाता है यस yes, तो जो भी पानी में उसके अराउंड जो भी अवेलेबल है वो खा लेता है ये सॉलिड फूड जो है वो खा लेता है अब कभी कभी ना इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं ये अमीबा क्या करता है सब कुछ एनगल्फ कर लेता है अपने वैक्यूल में सब कुछ एनगल्फ कर लेता है खा लेता है इसमें सिंस इट हैज अ माउथ तो इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा तो एक जो पाथवे होता है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें वैसे तो सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं इसके अंदर तो वो अंदर माउथ में जाके डिफ्रेंशिएट करता है तो जो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो चले जाते हैं आगे बकल कैविटी में और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ये टाटा बाय बाय बोल के वही माउथ से बाहर निकल जाते हैं यस yes, हमसे ना हो पाएगा ये इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स पैरामिशियम उनको रिजेक्ट कर देता है इसके लिए उसको बोलते हैं रिजेक्शन पाथवे यस yes, पैरामिशियम जो है उनको रिजेक्ट कर देता है कि हमको इतना बड़ा फूड पार्टिकल मुझसे डाइजेस्ट नहीं होने वाला मैं छोटे पार्टिकल्स ही खा लूंगा तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं बॉडी से वही के वही माउथ के जगह से बाहर निकल जाते हैं yes, यस और सिंस इट हैज कैविटी तो यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे पहली बात तो यहाँ पर वॉटर एक करंट बन जाता है और जितने भी फूड पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं यस yes, यहाँ पर ये जो माउथ के रीजन में एक करंट बनता है एंड जितने भी फूड पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं माउथ के अराउंड क्या होता है बच्चों होता है है ना तो ये एक एक पार्टिकल को अंदर भेज देता है जितने भी पार्टिकल्स मिले जाओ अंदर में जाओ अंदर माउथ माउथ में कर लेता है कि एक्सेप्ट करना है छोटे पार्टिकल्स को और बड़े पार्टिकल्स को क्या करना है रिजेक्ट करना है फिर ये जाते हैं बक्कल कैविटी में यस yes, ये फिर किस में जाता है बक्कल कैविटी में और जब ही ये एंटर कर रहे होते हैं माउथ के थ्रू माउथ के बाद बकल कैविटी में एंटर कर रहे होते तो इनका बन जाता है इनके अराउंड बन जाता है फूड वैक्यूल है ना और अकेले थोड़ी एंटर करेंगे थोड़ा बहुत पानी लेकर ही एंटर करेंगे तो इनके अराउंड बन जाता है फूड वैक्यूल ब, हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप यस हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप दैट इज इंजेक्शन ओके तो ये सारी चीजें आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में

ऑलरेडी छोटे छोटे पार्टिकल्स खाए थे पैरामीशियम ने वो धीरे धीरे और ब्रेक ब्रेकडाउन होता है डाउन होते हैं और पैरामीशियम के बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं यस yes, ब्रेक डाउन होता है पैरामीशियम के बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं अब ये वैक्यूल को ध्यान से देखो बच्चों ये वैक्यूल ना जैसे 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 आगे जा रहा है ना उसकी साइज कम होते जा रही है और इन दी एंड इन दी एंड साइज एकदम कम हो रही है उसकी है ना इन एंड साइज एकदम छोटी सी हो रही है जो वैक्यूल इतना बड़ा था साइज़ एकदम कम हो रही है क्यों वैक्यूल की साइज़ कम हो रही है सो दैट सो दैट ये जो हमको पता चले कि ये जो फूड है जो मॉलिक्यू जो अलगे बैक्टीरिया जो खाए हैं इन्होंने पैरामीशियम ने वो डाइजेस्ट हो रहे तो जो भी बचा-कुचा मटेरियल है सिर्फ वही उस वैक्यूल के अंदर बच रहा है यस yes, जो भी बचा-कुचा मटेरियल है वही उस वैक्यूल के अंदर बच रहा है तो वो ये जो वैक्यूल जब इसे स्टार्ट हुआ एंडिंग तक उसका पूरा जो डाइजेस्टेड uh, मटीरियल है इंपॉर्टेंट uh, जो मटीरियल है पैरामिशियम के लिए डाइजेस्ट होने तक का पूरा एक साइकिल बन रहा है यस yes, वो पूरा साइकिल बन रहा है इसके लिए इसके डाइजेशन को क्या बोला जाता है बच्चों साइक्लोसिस और जो अमीबा का था वो क्या था फ्रेगोसाइटोसिस ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और यहाँ पर क्या होता है अनडाइजेस्टेड मटीरियल होगा जो डाइजेस्ट करना था धीरे धीरे सभी डाइजेस्ट हो गया और अनडाइजेस्टेड मटीरियल बहुत कम बचा वो तो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर एक एनल पोर होता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं सॉरी uh, uh, पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं दे आर नोन एज एनल पोर्स तो वहां से उस पोर में से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है यस yes, बच्चों जो अनडाइजेटेड फूड मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है तो ये पूरा एक साइकिल बन रहा है यस yes, तो इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं साइक्लोसिस आई होप सबको समझ में आया हो ये पूरा चीज जो है वो आप क्या करोगे पॉइंट्स में पढ़ोगे यस yes, पहला इंजेक्शन तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया देन वी मूव ऑन टू द डाइजेशन पार्ट डाइजेशन पार्ट में क्या होता है फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड से फूड्यूल में और उनको ब्रेक डाउन करते हैं फूड इन टू स्मॉल मॉलिक्यूल बाई केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होते हैं और छोटे छोटे सोल्यूबल मॉलिक्यूल में जो होता है वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है नेक्स्ट वी है बहुत इम्पोर्टेंट है तो जो भी डाइजेस्टेड सिंपल सोल्यूबल मटीरियल है सबस्टेंसेज है वैक्यूल में वो क्या होते हैं पास आउट होते हैं कहाँ पर पैरामीशियम की बॉडी में इस पैरामीशियम की बॉडी में सराउंडिंग एनवायरमेंट में धीरे धीरे करके निकल जाते डाइजेस्ट होते रहते हैं और निकल जाते हैं यस फिर होता है असिमिलेशन यस असिमिलेशन में जो भी इम्पोर्टेंट अब्जॉर्ब फूड मटीरियल है वो uh, क्या होता है रेस्पिरेशन होता है पैरामिशियम में पैरामिशियम पैरामिशियम की सेल के पार्ट्स बनाने में ग्रोथ पैरामिशियम की ग्रोथ होने में काफी काम आता है ये फूड मटेरियल एनर्जी देने में काम आता है देन लास्ट पार्ट हमने देखा क्या इजेशन इजेशन किससे होता है ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं पैरामिशियम की बॉडी में उससे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो पैरामिशियम की बॉडी से पास आउट होता है अच्छा एक इंटरेस्टिंग देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस Uh, हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स यस तो ट्वेंटी फोर आवर्स में ये जो साइक्लोसिस का प्रोसीजर है ना बच्चों कंटिन्यू चालू होता है पैरामिशियम की बॉडी में तो ट्वेंटी फोर आवर्स में ये जो पैरामिशियम है एक पैरामिशियम इट कैन डाइजेस्ट इसका जो न्यूट्रिशन होता है इट कैन डाइजेस्ट फिफ्टी टू एटी लैक बैक्टेरिया जैसे एक बैक्टीरिया जा रहा है दो बैक्टीरिया जा रहा है वैसे पचास से साठ लाख बैक्टीरिया चौबीस घंटे में एक पैरामिशियम डाइजेस्ट कर सकता है ओके सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस पैरामिशियम यस तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में ये तो हमने सिंपल एनिमल्स पढ़े ना अमीबा uh, पढ़ा पैरामिशियम पढ़ा एकदम सिंपल एनिमल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड एनिमल पढ़ने वाले दैट इज ह्यूमन सो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टे ट्यून फॉर इट अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो नीचे रेड बॉक्स है जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल येस लेट्स मीट फॉर नेक्स्ट लेक्चर बाय एवरी वन अ नाइस डे